पशु तस्करी करने वालों के खिलाफ अब खैर नहीं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस अब उन पशु तस्करी करने वालों के खिलाफ एफआईआर से लगाएगी जो लोग जो पशुओं की तस्करी करते हैं। आपको बताएं कि आज सुबह कालाकोट की जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है एक ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर लगा दी है। आपको बताएं ये ड्राइवर जो है कालाकोट से रजौरी की ओर आ रहा था और कोठा के पास जम्मू कश्मीर पुलिस का नाका लगा हुआ था और उस नाके को देखते हुए इस ड्राइवर ने जो है वहीं पे ही गाड़ी छोड़ी और भागने की कोशिश की। लेकिन आपको बताएं कुछ ही घंटों में जो है इस ड्राइवर को जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों ने ढूंढा और इसको जो है सलाखों के पीछे कर दिया। आपको बताएं कि इस गाड़ी में जो 3 कैटल्स थी जिनकी ये तस्करी कर रहा था और आपको बता दें कि ये गाड़ी नंबर JK14D9302 है और ये कालाकोट से रजौरी की ओर आ रही थी। और आपको बताएं कि इस ड्राइवर का नाम जो है जफर इकबाल बताया जा रहा है और इसके फादर साहब का नाम मोहम्मद रजाक है। ये कालाकोट के गगवान का रहने वाला है और आपको बताएं इसके खिलाफ जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर दी है। एफआईआर नंबर 17/2024 के तहत अंडर सेक्शन 188 आईपीसी और 18/11 पीसीए एनिमल एक्ट के दौरान इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इसको जो है अभी सलाखों के पीछे रखा गया है। आपको बता दें कि पशु तस्करी जो है काफी सारे लोग करने की कोशिश करते हैं लेकिन अब जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने साफ ये कह दिया है कि अब उन लोगों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी जो लोग पशु तस्करी में साथ देंगे और जो पशु तस्करी में मुलविस होंगे। आप जानते ही हैं कि पिछले कई दिनों से नशा तस्करों के खिलाफ भी जो है लगातार कार्रवाई की जा रही है लेकिन आज एक जम्मू कश्मीर पुलिस कालाकोट ने एक क्रैकडाउन लगाया जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक ड्राइवर को हिरासत में लिया। पहले तो ये ड्राइवर भाग गया मौके से, जैसे ही इसने देखा कि इस नाके में अब मैं पकड़ा जाऊंगा, इसने गाड़ी पहले रोकी और ये वहां से भाग गया। आपको बताएं कि भागने के बाद टीम्स को पीछे लगाया गया और इसको जो दर्द पहुंचा गया और अभी ये कालाकोट के पुलिस स्टेशन में सलाखों के पीछे है। किसी को भी अगर पशु तस्करी करता हुआ कोई भी इंसान कहीं मिलता है तो आप जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों को जरूर बताएं और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करवाएं क्योंकि आपको बताएं कि ये एक बहुत बड़ा अपराध है जो कि मैक्सिमम आपने देखा है कि रजौरी पुंछ में छुपके से ये लोग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप लोगों को साथ देना होगा जम्मू कश्मीर पुलिस का और जो भी इसमें मुलविस रहता है, जो भी तस्करी करने की कोशिश करता है, आप लोग जम्मू कश्मीर पुलिस को इतला दें ताकि वो इनके ऊपर कार्रवाई कर पाए। अर्ली टाइम्स के लिए प्रमोद।